जय सिया राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज सुबह मैं उठ गई थी 5:15 के अराउंड। उठते ही सबसे पहले पिया एक गिलास गर्म पानी, फिर उसके बाद खाए रात को भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, और 5:40 के अराउंड मैंने किया पढ़ना शुरू। आज सबसे पहले लगाई रीजनिंग मीन्स की, दो पज़ल करी। फर्स्ट वाली जो है ब्लड रिलेशन बेस्ड थी, वो मैंने कंडीशंस नोट करी फिर उसमें पुट कर दी थी। आधी पुट हुई मेरे से कंडीशंस, फिर उसके बाद बहुत सारे केसेस बढ़ने लग गए थे उसमें, तो मैंने ये सर के साथ साथ करी। और इसको सर के साथ साथ समझने में मेरे को 30 से 35 मिनट लग गए थे। ये वाली पज़ल एक 30 से 35 मिनट लेगी गई। फिर उसके बाद सेकेंड वाली ट्राई करी, सेकेंड वाली बन गई थी। फिर उसके बाद पीओ का एक सेक्शनल दिया रीजनिंग का ही, उसमें स्कोर रहा 26.25। 26 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 4 गलत हो गए। जो ये सिलोगिज्म वाले थे उसमें मैंने ये नहीं रीड किया कि लॉजिकल वाले करने हैं, उसको सिंपल तरीके से कर दिया जैसे सिंपल सिलोगिज्म करते हैं। फिर जो जितने भी मेरे इस सेक्शनल में क्वेश्चन बचे हुए थे मैंने वो सॉल्व किए, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन, ना स्टेटमेंट बेस्ड नहीं, डाटा सफिशियंसी वाले क्वेश्चन रहते थे, और क्रिटिकल रीजनिंग के भी मैंने स्किप किए हुए थे, और एक डायरेक्शन बेस्ड था, इस टाइप के क्वेश्चन थे वो किए मैंने। फिर उसके बाद 5 मिनट किया प्राणायाम, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करी, और 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार के लगाए। फिर मैं नहा के होगी रेडी, उसके बाद करी पूजा। फिर मैं 10:15 के अराउंड करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठ गई थी। आज मैंने 8 जून के करंट अफेयर की पीडीएफ रीड करी थी, और 7 जून की करंट अफेयर की पीडीएफ पे बेस्ड मैंने टेस्ट दिया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 19। एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था बिकॉज उसमें मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही थी, और जो 19 अटैम्प्ट किए थे वो सारे ठीक थे आज, और तो उसमें मेरा स्कोर था 19 out of 20। फिर उसके बाद मैंने 0 to infinity से सर्ट्स एंड इंडिसेस की क्लास 3 करी। सर्ट्स एंड इंडिसेस में मेरी बस ये कि यही क्लास बच रही थी, तो मैंने ये वाली क्लास कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर मैंने 1:15 के अराउंड लंच किया, और उसके बाद थोड़ी देर सो गई मैं। फिर सो के उठने के बाद मैंने हर्षल सर की 3 बजे वाली लाइव क्लास करी थी, और जब उसकी रिकॉर्डेड आ गई थी तो फिर मैंने क्वेश्चंस दोबारे से सॉल्व किया, उनकी रिवीजन कर ली थी। फिर एक लाइव मॉक अटैम्प्ट किया था, RRB क्लर्क का अटैम्प्ट किया था। क्वेश्चन तो मैंने अटैम्प्ट किया उसमें 67, और जो क्वेश्चन मैं गलत करती हूँ ना, कि गलती से गलत हो जाते हैं, वो मैंने ना डबल टाइम लगा के किए कि कुछ गलत ना कर दूँ मैं, फिर भी वही 7 क्वेश्चन गलत हो गए। फिर उसके बाद जब इसकी आई थिंक 7 बजे के बाद आया था इसका रिजल्ट आ गया था जब, तो फिर मैंने इसके सॉल्यूशंस चेक किए जब आ गए थे कि मैंने क्या क्या गलती करी हुई है। और क्वांट में मैंने एक केसलेट और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन छोड़े हुए थे, तो फिर मैंने वो वाले सॉल्व कर लिए इसमें से। फिर शाम को चली गई मैं इवनिंग वॉक पे, और आज का इवनिंग व्यू कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद मैंने रात को किया था इंग्लिश का, इंग्लिश में निमिषा मैम का एडिटोरियल का लेक्चर देखा। और फिर स्पीड मैथ के 2 क्विजेज अटैम्प्ट किए थे, एक में स्कोर था 16.5 out of 20, और दूसरे में स्कोर था मेरा 17.75 out of 20। और ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट जो भी आज मैंने किया है, और मेरे टोटल स्टडी आवर्स थे आज 9.5 घंटे।